किन्नर या हिजड़ाज जो है वो कैसे सेक्स करते हैं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, जब ये सवाल आता है हिजड़ा या थर्ड सेक्स या किन्नर या इंटरसेक्स, तो भी हमको पहले ये देखना है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रहता है आदमी की जो है होमोसेक्सुअल, कि वो है मेल, उसको क्लियरली मालूम है कि मैं मेल हूँ, उसके जो ऑर्गन्स है, जेनेटल्स है, सभी मेल जैसे, मगर उसको लगता है कि मैंने मेल के साथ में सेक्स करना है, उसको फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता नहीं है, उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल और उसको बोलते हैं गे। वो लड़का लड़की हो सकता है या लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको लेस्बियन बोलते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा है कि जो हमारे पास में आते हैं कि फिटनेस दे दो हमको, हमको लिंग बदलने का है, वो है लड़की, उसके बॉडी पार्ट लड़की जैसे है, उसको मालूम है कि मैं लड़की हूँ, मगर बोलते कि मैं गलत जगह पर फंस गई हूँ, मैंने तो एक्चुअली लड़का होना चाहिए था, मुझे लड़की होना रहना पसंद ही नहीं है, अभी मुझे ऑपरेशन करना है और मुझे लड़के जैसा रहने का है। ये एक है, तो ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। दूसरा ये हो सकता है कि लड़का आया हुआ है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे सब तो लड़के के ऑर्गन से पूरा एनाटॉमिकली बहुत ही बराबर है, सब ठीक है, मगर मुझे लड़का रहने का नहीं, मुझे लड़की बनने का है और मुझे ऑपरेशन करना है, अभी आप फिटनेस सर्टिफिकेट दे दो। तो वो एक हो गया दूसरा। तीसरा जो है वो है ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स वाले या हिजड़ा या किन्नर। अब ये लोग क्या होते हैं कि इनको ये दिखते हैं औरत जैसे, हम जब उनको देखते हैं, हम ट्रेन्स में देखेंगे, शादी के समय आते हैं, बच्चा पैदा हो गया तो आएंगे, तालियां जोर जोर से बजाएंगे, ट्रैफिक में जब सिग्नल रहता है तो वहाँ तालियां आके अपना कार की कांच नॉक करेंगे, वो जोर जोर से तालियां बजाएंगे, उनकी आवाज़ बहुत मोटी रहती है, दिखते हैं औरत जैसे, पहना है औरत जैसा सब कुछ, उनके बाकी भी एक्सटर्नल ऐसा दिखता है कि वो औरत है, मगर एक्चुअली वो औरत के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो उनके रहते नहीं है, वो रहते मिक्स, थोड़े औरत के, थोड़े पुरुष के और थोड़े स्त्री के, ऐसे रहते हैं, उनको मिक्स रहते हैं। मतलब जन्म के समय जब जन्म लिया तब दिखता है कि भाई ये लड़का है, ऐसा लड़का माँ बाप को दिखेगा कि ये लड़का है, क्योंकि उसको रहता है पेनिस, मतलब लिंग रहता है, मगर टेस्टिकल जो अंडाशय वो बहुत छोटे रहेंगे या डेवलप नहीं हुए रहेंगे, या उसको अंदर पेट के अंदर उसको ओवरीज है या गर्भाशय है, स्त्री बीज जहाँ पैदा होता है ओवरीज, वो हो सकता है, या लड़की करके पैदा हुआ दिखता है लड़की करके, मगर उसको रूडिमेंटरी लिंग है, टेस्टिकल है या वजाइना है, मतलब थोड़े थोड़े ऑर्गन रहते दोनों मिक्स, और इसलिए ना वो मेल है ना फीमेल है, मगर यूजली वो फीमेल जैसा रहते हैं। और फिर ये अच्छा, इनको समाज की मान्यता नहीं है, समाज उनको अच्छे तरह से देखता नहीं है, एक्चुअली वो भी इंडिविजुअल है, उनको जीने का अधिकार है, उनको वोटिंग का अधिकार, इलेक्शन कॉन्टेस्ट का भी अधिकार के लिए वो ये कर रहे हैं कि भाई हमको थर्ड जेंडर भी लिखो, हम थर्ड जेंडर है, ना मेल है ना फीमेल है। क्या उनको सेक्स की इच्छा होती है, उसके पहले हम देखेंगे कि क्या ये जब हंगामा करते तब क्या करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है कि जन्म मतलब नेमिंग सेरेमनी है, या बच्चा पैदा हो गया तो कोई फंक्शन चल रहा है, या आएंगे तालियां बजाएंगे, जोर जोर से तालियां बजाएंगे, शोर मचा देंगे, पैसा दो, और वो 500, 1000, 2000, 5000, 10000 कुछ भी मांग लेते हैं, जो हैसियत भी नहीं सामने वाली। शादी के समय आएंगे वहाँ धूमधाम करेंगे, दो चार साथ में आएंगे और धूमधाम करेंगे शादी में, मतलब ऐसे। तो यदि आपको देना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब शोर करते हैं तो डेफिनेटली आप पुलिस को बुलाना चाहिए, और पुलिस को बुला के आप उनको उनके हवाले कर सकते हैं, क्योंकि वो वायलेंस कर रहे हैं। हाँ, प्यार से आप दे रहे हैं उनको किसी को तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार से दे रहे हैं उनको, क्योंकि उनका भी जीने का अधिकार है, बेचारे को कोई काम देता नहीं है, और लोग भी चाहते कहीं समाज में ऐसा है कि नहीं उनके आशीर्वाद होना है, और आशीर्वाद मिले तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उनके आशीर्वाद शादी में मिले तो जो नवविवाहित जो कपल है उनकी ज़िंदगी अच्छी जाएंगी, इसलिए उनके आशीर्वाद होना जरूरी है, ऐसा एक मानना है लोगों का, तो ठीक है, मगर जब वो हैरासमेंट करते हैं तो आपको कड़क रहना चाहिए और उनको फिर बराबर जगह बताना चाहिए उनकी।
अब सवाल आते हैं कि क्या वो सेक्स कर सकते हैं, क्या क्या इनको बच्चा हो सकता है क्या? तो अर्थात नहीं, क्योंकि ये इनके जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो है, वो ना पूरे मेल के हैं ना पूरे फीमेल के हैं, रूडिमेंट्री है, तो नेचुरली उनको बच्चा पैदा होगा नहीं, मगर वो सेक्स कर सकते हैं। थाईलैंड के पिक्चर्स आपने देखे होंगे, थाईलैंड में काफ़ी जगह आपको ये मिलेंगे, बात करने के बाद में मालूम पड़ता है कि ये इनका आवाज़ मतलब दिखता है लड़की जैसा, बहुत स्मार्ट लड़की है, बात करने के बाद मालूम पड़ता है कि उसकी आवाज़ जो है बहुत मोटी है, और ये इनक है या हिजड़ा है, और वो बोलते हैं, और वो सेक्स के सर्विसेज भी देते हैं, आपस में भी वो सेक्स करते हैं, आपस में उनको अच्छा लगता है, तो उसमें यदि वो फीमेल फीमेल लगता है तो वो फीमेल फीमेल में सेक्स करते हैं, मेल टू मेल सेक्स करते हैं, मतलब जिनके ज़्यादा मेल डोमिनेंट है तो उसमें वो मेल मेल सेक्स करेंगे, जो मेल डोमिनेंट है वो मेल डोमिनेंट और फीमेल डोमिनेंट वो सेक्स करेंगे, ऐसा आपस में वो सेक्स करते हैं, भले पूरा इंटरकोर्स उनमें होगा नहीं, मगर उनको भी सेक्स की इच्छा होती है, उनको भी सेक्स ड्राइव है, और वो सेक्स करते हैं, भले वो बच्चा पैदा ना कर सके। और थाईलैंड में तो वो खुलेआम बोलते रहते, थाईलैंड में तो आपको मालूम है बैंकॉक पटाया जब जाते तो सेक्स तो वहाँ लीगल है, और वो खुलेआम बोलते रहते कि नहीं हम तो इनक है हीरा है, और वो आपस में सेक्स करते हैं, तो उनको उनका उनका जीवन जीने दो, उनका जीवन जीने का अधिकार है, उनको करने दो, वो सेक्स करते तो करने दो, सिर्फ उन्होंने पब्लिक प्लेस में ये सब नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी पॉसिबल उसमें नहीं है, मगर यदि उनने जानबूझकर ऐसा कुछ, मतलब फीमेल है उसको गर्भाशय है और बाकी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे डेवलप हो चुके, तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट बन सकती है, यदि पूरे उसको कैरेक्टरिस्टिक्स है तो। ये भी आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, काफ़ी लोगों को इसके बारे में क्लियर ज्ञान नहीं है, और लोग इनको मतलब अवॉइड करेंगे, उनको धिक्कार देंगे, तो ऐसा ना करते हुए उनको एक समाज का हिस्सा है समझ के उनको भी जीने दो। थैंक यू वेरी मच।